सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय जनता युवा मोर्चा पलामू के द्वारा राज्य की युवा विरोधी हेमंत सोरेन सरकार की तुगलकी रवैये के खिलाफ नुक्कड़ सभा के बाद सरकार का पुतला दहन जिला अध्यक्ष ज्योति पांडे की अध्यक्षता में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए ज्योति पांडे ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व संपन्न हुए जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भारी गड़बड़ी को लेकर परीक्षा की जांच एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर हो रहे आंदोलन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना अत्यंत ही निंदनीय है। भाजपा जिला अध्यक्ष विजय आनंद पाठक ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य की सत्ता संभाली है, लगातार राज्य में चारों तरफ अराजकता का माहौल व्याप्त है। लगातार प्रतिभाओं की अनदेखी की जा रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि सरकार ने जेपीएससी को प्रयोगशाला बना दिया है, जो अत्यंत ही निंदनीय है। इस सरकार में रोजगार मिल नहीं बल्कि बिक रहा है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अविनाश वर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार लोक लुभावन वादे करके सत्ता में आकर भी युवाओं को ठगने का काम कर रही है। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, परंतु साल खत्म होने को है, कभी कोई नियुक्ति नजर नहीं आ रही है सिवाय परिवार की। डिप्टी मेयर मंगल सिंह ने कहा कि राज्य की स्थिति बेहद दयनीय है। हेमंत सोरेन सरकार व्यवस्थित पढ़ाई से लेकर नौकरी देने तक में असमर्थ है। कमरा के अंदर में बैठे लगातार सीरियल नंबर से 10 और 20 छात्र का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। झारखंड की सरकार जो भ्रष्टाचार के जल दलदल में फंस, हम देख रहे हैं कि यहाँ पद को नीलाम किया जा रहा है, लगातार सरेआम पद को बेचा जा रहा है, और जेपीएससी के जो विद्यार्थी होनहार नौजवान आज सब जगह तैयारी कर रहे हैं, आज ऐसे पढ़ने वाले होनहार नौजवानों का हक मारा। सरकार से यहाँ के शिक्षित नौजवानों को छलने का काम यहाँ की हेमंत सरकार कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो यहाँ के छात्रों के मनोकामना मनोबल के ऊपर में एक हम तैयारी करते रह जाएंगे और झारखंड में सारे पदों को नीलाम किया जाएगा। बंधुओं, एक बात इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि अगर छात्र नौजवानों का, जो प्रतिभाशाली नौजवान है, उनके हक को छीना जाएगा, उनके पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय विजयानंद पाठक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबों के अभिभावक आदरणीय विपिन बिहारी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े भाई अविनाश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे मित्र अमित तिवारी जी, और युवा मोर्चा के दो महामंत्रीगण रोहित जी, राकेश जी, सोमेश जी, विपुल जी, स्वतांग जी, और युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता मित्रों, मेरे भाइयों, पूर्व के वक्ताओं ने आपको बता चुके हैं कि जेपीएससी के परीक्षा में किस प्रकार धांधली के खिलाफ जेपीएससी के छात्रों के द्वारा जो परीक्षा देने गए थे, उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। उसके बाद जेपीएससी के चेयरमैन से समय मांग करके शांतिपूर्वक ढंग से हमारे विधायक और उन लोग उनसे मिलने जा रहे थे। हेमंत सोरेन की सरकार ने जबरन बिना किसी कारण के उन लोगों पर लाठीचार्ज कराए। मेरे मित्रों, आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रत्येक कार्य में, चाहे वह महिलाओं के लिए, यानी रांची में जेपीएससी के एग्जामिनेशन में जो भारी अनियमितता, जो गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से जेपीएससी के चेयरमैन के द्वारा पूर्व में समय लेकर इस राज्य के जेपीएससी के विद्यार्थी मिलने जा रहे थे, और इस राज्य के गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा, उनके पुलिसकर्मियों के द्वारा छात्रों को बलपूर्वक रोकने का और जेपीएससी के चेयरमैन तक अपनी बातों को पहुंचाने से रोका गया, और पुलिसकर्मियों को द्वारा बेरहमी पूर्वक लाठी डंडों से जेपीएससी के छात्रों को पीटा गया, और उसमें कुछ हमारे विधायक और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां उपस्थित थे, जो जेपीएससी के अभ्यर्थियों के आग्रह पर वहां पहुंचे थे। उन विधायक और माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भी बहुत बेरहमी तरीके से पीटा गया है,
उसी को लेकर पूरे झारखंड के युवाओं में उबाल है इस राज्य सरकार के खिलाफ, और उसी के कड़ी में पलामू का भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता आज पुतला दहन और नुक्कड़ सभा में उपस्थित है। जो अभी नई नियोजन नीति लाई है, खासकर पूरे राज्य के साथ साथ पलामू के युवाओं को इसमें भारी आपत्ति और छलने का काम कर रही है। कल के प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि टेट में जो लोकल विषय हम लोगों की भोजपुरी, अंगिका, मगही, उनको नहीं रखा जा रहा है। और जब हम लोग जान रहे हैं कि टेट के एग्ज़ाम में लगभग 30 नंबर का एग्ज़ाम लोकल विषयों को होने वाला है, तो हम पलामू के युवा आखिर कहाँ जाएंगे? जब ये सरकार आई थी तो झूठे आश्वासन के सहारे वो बताने का काम किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम राज्य के बेरोजगार युवकों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और आने वाला वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। लेकिन 2 साल बीत गए इस राज्य सरकार को और ये सारे वादे छलावा साबित हो रही है। अब इस राज्य सरकार के खिलाफ इस राज्य का ही नहीं पलामू का युवा कमर कस लिया है और यहाँ का युवा इस राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में अब है।